नमस्कार दोस्त, क्या आपके घर का जो छत है वो लीकेज होता है? मतलब बरसात का जो पानी छत के ऊपर गिरता है वो धीरे धीरे लीकेज होके घर के अंदर आ जाता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जानकारी मिस कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ एशियन पेंट का जो वाटरप्रूफिंग पॉलीमर जो है वो हमने इधर यूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ हमने सीमेंट का हमें यूज़ करना है। तो अभी हम एक बाल्टी लेंगे जिसमें हम वो जो केमिकल है वो उसमें निकालेंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना ले लो। अभी हम इधर 5 लीटर का हम बनाने वाले हैं, तो मैं इस बाल्टी में 5 लीटर वो केमिकल डाल दूँगा। उसके बाद हमें उसमें सीमेंट मिलाना है, तो 5 लीटर के लिए हम 5 किलो सीमेंट यूज करेंगे। तो 5 किलो हम सीमेंट अभी डाल रहे हैं। इसमें डालने के बाद दोस्तों इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए अगर आपके पास मशीन हो तो मशीन से मिक्स कर लो, जो आसानी से और जल्दी होता है। लेकिन हम इधर डंडे का यूज कर रहे हैं, मशीन नहीं है इसलिए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको जो है हम अपने जो छत पर अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, हम ये मिश्रण अप्लाई करने के लिए एक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्रश के इस्तेमाल से क्या होता है, अच्छी तरह से वो केमिकल जो है वो छत पर अच्छी तरह से अप्लाई होता है। रोलर से वो जल्दी हो जाता है, लेकिन वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए हम ब्रश का यूज़ करते हैं। ब्रश से रिज़ल्ट अच्छा आता है, इसलिए तो हमें इस तरह से अप्लाई करते रहने का है पूरे छत पर। कोई भी जगह जो है छूटनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो वहाँ से लीकेज होने के चांस रहते हैं। इसलिए हर जगह ठीक से केमिकल को हमें अप्लाई कर देना है। मैं आपको बताना भूल गया था कि इस छत पर पहला कोट हो गया था। अभी हम जो कर रहे हैं वो दूसरा कोट है। 2 कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लीकेज जो है वो पूरी तरह से अच्छे तरह से ढक जाते हैं और लीकेज हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अभी हम दूसरा कोट अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये सूखने के बाद पूरा काला पड़ जाता है और एकदम रबर जैसा हो जाता है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा वाटरप्रूफिंग छत हो गया है। अभी पूरा जो लीकेज है वो पूरा बंद हो गया है। अभी बारिश का जितना पानी उसके ऊपर गिरेगा वो छत के नीचे छत के अंदर नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि दोस्तों, पहला जब हम कोट लगाएंगे वाटरप्रूफिंग का, तो उससे पहले हमें पूरा जो छत है वो पूरा क्लीन करना पड़ता है। उसको धो के उस पर कुछ मिट्टी वगैरह जो भी है वो हमें साफ करना होता है, पूरा क्लीन करना होता है। उसके बाद ही हम पहला कोट अप्लाई कर दे है और उसको सूखने के बाद या अगले दिन हम दूसरा कोट लगाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।